बिहार सरकार को आखिर हो क्या गया है, क्यों आखिर बिहार सरकार को विरोध पसंद नहीं है, क्यों आखिर बिहार सरकार को विरोध के स्वर अगर उठते हैं तो वो बिहार सरकार को अच्छे नहीं लग रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद जो है शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरीके से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पहले तो 2-2 एकेडमिक कैलेंडर जारी किया, उर्दू स्कूलों के लिए अलग, गैर उर्दू स्कूलों के लिए अलग। उसके बाद विवाद हुआ कि क्यों आखिर ईद में 3 दिन छुट्टियां दी जा रही हैं उर्दू स्कूलों में, विवाद हुआ आखिर क्यों बकरीद में 3 दिन छुट्टियां दी जा रही हैं उर्दू स्कूलों में, क्यों आखिर गैर उर्दू स्कूलों में जो हिंदुओं के त्यौहार है कुछ जन्माष्टमी या रक्षाबंधन उसमें छुट्टी नहीं दी जा रही है। तो ये तमाम विवाद हो रहा है पिछले 3-4 दिनों से, और इसी बीच अब ऐसा लगता है कि बिहार सरकार को जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं वो नागवार गुजर रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अब एक गैग ऑर्डर जारी कर दिया है। ये गैग ऑर्डर दरअसल शिक्षकों के लिए है, वो शिक्षक जो बीपीएससी के जरिए अभी चुने गए हैं या फिर जो शिक्षक हैं जो बिहार के 2-2 एकेडमिक कैलेंडर का जो है विरोध कर रहे हैं और जो ये चाहते हैं कि एक संघ वो लोग बनाए, शिक्षक संघ बनाए और फिर संघ के माध्यम से बिहार सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करें। तो इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने, और शिक्षा विभाग क्या कहे तो फिर जो के पाठक साहब हैं जो कि ACS हैं, अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, उन्होंने तो बकायदा एक गैग ऑर्डर जारी कर दिया है कि कोई भी शिक्षक हो या इस प्रकार का इन सब व्यक्ति जो हो वो कोई शिक्षक संघ नहीं बना सकता है, और अगर ऐसा संघ बनाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये जो पूरा का पूरा जो ये गैग ऑर्डर निकला है ना, इस पे कहा यही गया है कि बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों में संघ बनाने पर रोक लगा दी है, यानी कि आप किसी प्रकार का संघ नहीं बना सकते हैं, और फिर ये भी रोक लगा दी है कि ये यूनिवर्सिटी और स्कूलों में जो है ये पूरा जो पूरा जो ये फरमान है वो लागू होगा। और यही नहीं बल्कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं ये 2-2 एकेडमिक कैलेंडर जारी होने के बाद जिन्होंने सोशल मीडिया पर विरोध अपना दर्ज किया या खुलकर मीडिया पर आकर अपनी बातें रखी थी इसका विरोध करते हुए, ऐसे तमाम बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 शिक्षक हैं, वैसे शिक्षकों पर लगाम लगाने के लिए या तो कहें कार्रवाई करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने ऐसे शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी किया गया है और उनसे सवाल पूछा गया है, 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। कहा गया है कि सोशल मीडिया पर छुट्टी कैलेंडर का विरोध करने वाले ऐसे 100 शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और इन्हें नोटिस जारी करके 24 घंटों के अंदर जवाब तलब किया गया है कि वो क्यों आखिर उन्होंने बिहार सरकार के फैसले का विरोध किया है, और विरोध किया है तो क्यों आखिर मीडिया में गए हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बात रखी है, इसको लेकर जो है नोटिस भेजा जा रहा है। और कई सारे शिक्षक हैं जिन्होंने बिहार तक को इस बात की जानकारी भी दी है कि उन्हें इस प्रकार का नोटिस प्राप्त भी हुआ है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये 2-2 एकेडमिक कैलेंडर का जो पूरा मसला है ना, ये विवादों में फंसता जा रहा है। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि बिहार सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी, बहुत सारे जगहों से सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि क्यों आखिर 2-2 एकेडमिक कैलेंडर जारी किए गए हैं या फिर ये एकेडमिक कैलेंडर को जो है वो वापस लिया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि शिक्षा विभाग कहे या फिर बिहार सरकार इस एकेडमिक कैलेंडर को वापस लेने के जरा भी मूड में है। और बीजेपी तो आज उन्होंने अपना जो दफ्तर है बीजेपी का जो कार्यालय है पटना में, वहां पर बकायदा एक पोस्टर भी जो है वहां जारी कर दिया है, और उस पोस्टर में दरअसल स्कूलों में छुट्टियों का हिंदू विरोधी आदेश वापस ले, इस तरीके से इस नाम से जो है पोस्टर लगा दिया गया है बीजेपी दफ्तर के बाहर कि बिहार सरकार हिंदू विरोधी है, हिंदुओं के जो त्योहार है उसमें छटनी कर रही है, चाह रही है कि जन्माष्टमी जैसा त्योहार हो या फिर रक्षाबंधन जैसे त्योहार हो उसमें छुट्टी नहीं दी जा रही है, तो इससे बिहार सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ रहा है, ऐसा आरोप है बीजेपी का। और बीजेपी इसीलिए
नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रही है और आज इसी कड़ी में बीजेपी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर बकायदा लगा दिया गया है और सवाल खड़े किए गए हैं कि क्यों आखिर नीतीश कुमार सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, क्यों आखिर ईद और बकरीद में छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं उर्दू स्कूलों में, और क्यों आखिर रामनवमी और माफ कीजिएगा जन्माष्टमी और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर छुट्टियां जो है वो छटनी कर दी गई, यानी छुट्टी है ही नहीं। और बीजेपी की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की ओर अग्रसर है। इस तरीके के आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार सरकार का ये जो पूरा का पूरा फैसला सामने आया है, यानी कि दो दो अकेडमी कैलेंडर बनाने के जो पूरे ये कवायद की गई है, दो दो अकेडमी कैलेंडर जो जारी किए गए हैं, इसका विरोध केवल राजनीतिक तौर पर नहीं हो रहा है, केवल बीजेपी ही नहीं है जो इसका विरोध कर रही है, बल्कि शिक्षक भी जो है इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो हिंदू हैं, जो ऐसे पर्व मनाते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, उस पर उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन वो भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार सरकार को विरोध पसंद नहीं है, विरोध करने की जो आवाजें उठ रही हैं, जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, वो नीतीश सरकार के कानों को अच्छा नहीं लग रहा है, और इसीलिए इस तरीके का एक फरमान जारी कर दिया गया है कि स्कूलों में या फिर यूनिवर्सिटीज में किसी प्रकार का संघ नहीं बनाया जाएगा। जो एक संगठन होता है, शिक्षकों का संगठन होता है, शिक्षक संघ होता है, वो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि संघ बने, शिक्षक एकजुट हो और एकजुट होकर भविष्य में चलकर किसी फैसले को लेकर आंदोलन करें या धरने पर बैठ जाए या हड़ताल पर चले जाए, ऐसा नहीं चाहती है सरकार। और इसीलिए ये फैसला जो है, ये फरमान जो है, तुगलकी फरमान जिसे कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से, वो इस फैसले को लेकर जो है उसका विरोध हो रहा है। और बिहार सरकार का जो एक चेहरा है, जो कि शिक्षक मानते हैं कि उन्हें विरोध के स्वर पसंद नहीं है बिहार सरकार को, वो सामने आ रहा है जब सरकार इस तरीके का एक लेटर जारी करती है, चिट्ठी जारी करती है कि शिक्षक स्कूलों में हो या फिर यूनिवर्सिटीज में संघ नहीं बना सकते हैं और उनका काम केवल और केवल पढ़ाना है। तो इसको लेकर भी जो है अब नया विवाद छिड़ चुका है और आने वाले दिनों में ऐसा लगता नहीं है कि ये विवाद थमने वाला है, क्योंकि ये चुनावी साल है। अगले 5 से 6 महीने में देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं, बिहार पर सबकी नजर है, आखिर क्या होगा। बीजेपी जो है वो इसी को जो है मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार को हिंदू विरोधी चेहरा जो है बता रही है, इस्लामिक स्टेट बनाने की बात की जा रही है। तो ऐसे में चुनावी वर्ष में इस तरीके के जो फैसले हो रहे हैं, इसको बीजेपी भी भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है और ये विवाद जो है आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये अभी कम नहीं होंगे, बल्कि इस विवाद को भी और हवा दी जाएगी। रोहित सिंह, पटना, बिहार तक।